रादौर के पक्का घाट पर रोटरी क्लब द्वारा चलाया गया सफाई अभियान, सफाई कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। बुधवार को रादौर में पश्चिमी यमुना नहर के पक्का घाट पर रोटरी क्लब द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर सफाई कर्मचारियों के सहयोग से दिवाली पर पक्का घाट को स्वच्छ किया गया। इस मौके पर रोटरी क्लब के प्रधान डॉक्टर एस सी सैनी ने बताया कि क्लब द्वारा इस घाट पर हर महीने साफ सफाई का कार्य किया जाता है ताकि इस ऐतिहासिक घाट की सुंदरता बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि दिवाली पर इस घाट पर शहरवासी विशेष पूजा अर्चना करते हैं, ऐसे में उनकी धार्मिक भावनाएं आहत न हो, इसके लिए आज यहां विशेष सफाई अभियान चलाया गया है। उन्होंने स्थानीय लोगों से भी नहर में पॉलीथीन न गिराने की अपील की है। क्लब द्वारा पॉलीथीन के लिए घाट के पास ही एक डस्टबिन की व्यवस्था की गई है। इस मौके पर स्वामी महेशाश्रम द्वारा सफाई कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। यहाँ पे डस्टबिन का इंतजाम भी किया जा रहा है और पॉलीथीन लोग यमुना में ना फेंकें उसके लिए और विशेष अलग प्रबंध करेंगे। अलग से यहाँ पे बैनर भी लगवाए जाएंगे, दीवारों पे भी लिखाया जाएगा और साथ ही साथ अलग से ड्रम भी रखे जाएंगे। रादौर में इनरविल क्लब के सदस्यों ने ईंट भट्टों पर मजदूर परिवारों के साथ मनाया दीपावली पर्व। इनरविल क्लब की ओर से बुधवार को रादौर में ईंट भट्टों पर मजदूर परिवारों के साथ दीपावली का पर्व मनाया गया। क्लब के प्रधान नीलम बंचल के नेतृत्व में सदस्यों ने ईंट भट्टों पर मजदूरों के परिवारों को फल, मिठाई व अन्य खाद्य पदार्थ भेंट किए। वहीं बच्चों को स्टेशनरी का सामान भेंट किया गया। इस अवसर पर प्रधान नीलम बंचल ने बताया कि क्लब का उद्देश्य मानवता की भलाई के लिए कार्य करना है, जिसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्लब से जुड़ी 50 से अधिक महिलाएं समाज सेवा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। रादौर के गांव बूबका के दून पब्लिक स्कूल में हुआ दिवाली के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन। दून पब्लिक स्कूल बूबका में दिवाली के अवसर पर बुधवार को विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आयोजित प्रतियोगिता में स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। बच्चों ने प्रतियोगिता में कैंडल होल्डर, कैंडल क्राफ्ट, रंगोली, दिया सजावट, पेपर क्राफ्ट आदि बनाकर अपने जोहर दिखाए। प्रतियोगिता में बच्चों ने एक से बढ़कर एक कृतियों का निर्माण किया। बच्चों ने पटाखे न जलाकर केवल दीपों से दिवाली मनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर स्कूल की प्रिंसिपल रेखा काम्बोज ने प्रतियोगिता में विजेता बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। रादौर के गांव अलहार के अप्रवासी भारतीय राजकुमार काम्बोज ने जरूरतमंदों की सेवा के लिए शुरू किया ट्रस्ट। अप्रवासी भारतीय राजकुमार काम्बोज द्वारा रादौर क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए कुमार कम्युनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन किया है। ट्रस्ट का उद्देश्य बच्चों, वृद्धों व जरूरतमंद लोगों की सहायता करना होगा। बुधवार को इस बारे ट्रस्ट के चेयरमैन राजकुमार काम्बोज ने बताया कि वह लगभग 40 वर्षों से अपने परिवार के सदस्यों के साथ फ्रैंकफर्ट जर्मनी में रह रहे हैं, जहां वह अपने सांसद बेटे राहुल काम्बोज के साथ KFK संस्था चला रहे हैं, जिसका उद्देश्य बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करना है। अब वह रादौर क्षेत्र में कुमार कम्युनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से समाज सेवा से जुड़े कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट की ओर से 20 नवंबर को गांव अलहर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उनके सांसद बेटे राहुल काम्बोज विशेष रूप से भाग लेंगे। रादौर की पश्चिमी यमुना नहर की पटरी के पास खड़ी बाइक चोरी के मामले में केस दर्ज। रादौर में पश्चिमी यमुना नहर की पटरी के पास खड़ी एक व्यक्ति की बाइक को चोर गिरोह के सदस्य चुरा ले गए। पुलिस ने प्रभावित व्यक्ति की शिकायत पर अज्ञात के विरुद्ध चोरी का मामला दर्ज किया है। छोटा मास निवासी अशोक कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजे वह किसी काम से रादौर में नहर की पटरी के पास स्थित काली मंदिर के पास काम से गया था। इसी दौरान किसी ने मौके से उसकी बाइक को चुरा लिया। उसने अपनी बाइक को खोजने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया है।